हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और वैसे तो आज रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए फॉर्मूले पे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल कर लेंगे। सो यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज आर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, अपने दरवाजे बंद कर लें, इधर उधर के डिस्टर्बेंसेस बंद कर लें, चूहा खाना भी बंद कर दें। तो बेटर होगा कि लेक्चर के नोट्स आप खुद बनाएं, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट से नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं www.physicswalaalakhpandey.com। नीचे कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी 01, जिसमें मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह समझाया है, उसको देख कर यहाँ पे आइएगा, क्योंकि शुरुआत के 10-12 मिनट मैं उस लेक्चर का यूज करूंगा। नहीं भी देखा है तो कोशिश करेंगे समझाने की, बाद के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, पर देख लो तो बेटर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 01 फिजिक्स वाला। तो चलिए हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आप सभी को पता है भैया रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि अपने अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको रोकें, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करें, मतलब इट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने की प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका सिंबल होता है R और फॉर्मूला इसका, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कंडक्टर है, कोई मटेरियल भी चलेगा, कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर, और इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें V। ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस। तो बच्चों करंट ऐसे फ्लो करेगा, मान लेते हैं करंट फ्लो किया I। तो अगर मैं इस कंडक्टर का या इस मटेरियल का रेजिस्टेंस पूछूं, तो रेजिस्टेंस होगा रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, ऑलवेज। यही डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, याद रखिएगा, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑलवेज, हमेशा यही डेफिनेशन होगी वी अपॉन आई। वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे, या डेल्टा भी लिखा हो, वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे अगर आई करंट फ्लो किया तो रेशियो ऑफ वी बाई आई इज रेजिस्टेंस। इसको कई बच्चे ओम्स लॉ से कंफ्यूज करते हैं, वो अलग चीज है, आगे आएगा ओम्स लॉ अपकमिंग लेक्चर्स में। ओम्स लॉ में क्या होता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आप बोलते हो वी इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर आर इज अ कॉन्स्टेंट, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना, रेजिस्टेंस वेरिएबल भी होता है, ऐसी ऐसी डिवाइस हैं जिनका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो उनका रेजिस्टेंस निकालने का भी एक ही तरीका है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे देखो उनके एंड के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और उस समय क्या करंट फ्लो कर रहा है, रख दो आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई। ठीक है, ओम्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता, ओम्स लॉ के हिसाब से तो आर कैसा होना चाहिए, आर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तभी तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखेंगे, बट ओम्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है ना, इसका मतलब रेजिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होता। तो ये चीज ऑलवेज ट्रू नहीं होगी, बट दिस डेफिनेशन विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, हो सकता हो प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो, सकता हो रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट ना हो। अच्छा, यहां से ये बताओ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऊपर V, तो V किस में होता है, वोल्ट में, नीचे I, I किस में होता है, एम्पियर में, वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं ओम, ओम 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 ओम, और ये सिंबल बनाते हैं इसका, ओम 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 ओम, है ना, जादू बोलता था ना, ओम ओम ओम। ठीक है, तो ये बेसिक बात हुई रेजिस्टेंस की, यही डेफिनेशन हमेशा ट्रू होगी V अपॉन I या डेल्टा V बाय। अब थोड़ा सा पिछले लेक्चर से इसको हम रिलेट करेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्यों है, है ना, कि रेजिस्टेंस आया क्यों।
अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करेंगे तो इस कंडक्टर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स होंगे, इन्हीं में से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। भाई कंडक्टर के अंदर कुछ एटम्स होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर आए होंगे, तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन अब इन एटम से टकराएगा और इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी, यानी करंट का फ्लो कम हो जाएगा। और इन्हीं कोलिजन्स को हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से। भाई इन कोलिजन्स की वजह से क्या हुआ, इन कोलिजन्स की वजह से करंट कम हो गया, यानी यही कोलिजन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के। इसके ऊपर हमने पूरी डिटेल थ्योरी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन लड़ने के बाद एक धीमी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, उसका फॉर्मूला वगैरह बताया था। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो YouTube पे टाइप करें करंट इलेक्ट्रिसिटी 01 फिजिक्स वाला और लास्ट के 10 मिनट का कम से कम लेक्चर देख लें। चलो अब उस चीज़ को हम यहाँ पे लेके आते हैं, मिटा रहे हैं इसको। अच्छा, तो हमने पिछले लेक्चर में करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट में, करंट I इज इक्वल्स टू वीना, VDENA, वीना, जहां पे VD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एक धीमी कांस्टेंट स्पीड कोलिजन्स के बाद, कोलिजन्स इसकी स्पीड धीमी और कांस्टेंट मान लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई वी बाई एम एल इन टू टाउ, जहाँ पे ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन चल रहा है आफ्टर कोलिजन्स। V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, जैसे मान लो ये कंडक्टर है तो इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसकी लेंथ L है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और आके यहाँ किसी पॉजिटिव कर्नल से कोलाइड किया, इसके बाद इधर आके दूसरे कर्नल से कोलाइड किया, इन दो सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर आराम किया कि अभी हमें कोलिजन नहीं करना, इस आराम वाले पीरियड को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ। इसके बाद फिर जाके अगला कोलिजन करेगा, ये जो आराम किया बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करो अभी कोलिजन नहीं हो रहा टाउ। अब ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन है अंदर, है ना भाई, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ढेर सारे होते हैं इसके अंदर, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ गया, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन और सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज कर दिया तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी। फिर आते हैं ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन, एन का भी इंपॉर्टेंस है बच्चों, एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कि इस कंडक्टर का अगर हम एक मीटर क्यूब देखें तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अगर याद हो तो हम बोलते थे फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या डेंसिटी है, है ना, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, ये होता है एन। और ए बच्चों होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जैसे ये हो गया ए। क्लियर है, ये बात याद आ गई, I इज इक्वल्स टू वी ना,
I is equals to V ना नोट कर लें. अब इसको हम यूज करेंगे और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे इन क्वांटिटीज के टर्म में. I इज इक्वल्स टू वी ना नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लें. नोट कर लिया, पॉज करके छाप लें. ओके, तो I इज इक्वल्स टू वी ना से हम आगे बढ़ेंगे और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे. I इज इक्वल्स टू वी डी की जगह E V बाय एम एल इंटू टाउ ई एन ए. तो I इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वेर टाउ ए अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम एल और वी. बोले सही है, एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू वी अपॉन एम एल. यहाँ से देखो करंट को इस तरफ ले जाऊं तो वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू, करंट को इधर लाए, वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए. क्या यही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है? रेजिस्टेंस कैसे डिफाइंड है? V अपॉन आई, यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा एम एल अपॉन एनी स्क्वेयर टाउ ए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट करें, एम एल अपॉन एनी स्क्वेयर टाउ ए. जहां पे अलग अलग टर्म्स की मीनिंग आपको पता है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यानी ये जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. अब बच्चों ये जो क्वांटिटीज है एम एन ई स्क्वेयर टाउ, ये गिवेन टेम्परेचर पे और गिवेन कंडक्टर के लिए कॉन्स्टेंट होंगी. भाई मान लो कंडक्टर हमको गिवेन है, तो इस कंडक्टर में एक कंडक्टर मान लो हमें गिवन है, तो इस कंडक्टर में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा. क्या चीज़ हम इसकी चेंज कर सकते हैं? लेंथ और एरिया. बाकी सब चीज़ें तो कंडक्टर का मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना. कोई मटेरियल दे दिया तो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है भाई. किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, किसी मटेरियल में कम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल की प्रॉपर्टी है. और एक्सटर्नल फैक्टर है लेंथ और एरिया. तो हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों को हटा के एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने बोला रो, या जिसको आप जानते हो रेजिस्टिविटी के नाम से. और फॉर्मूला बन गया आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए. क्या रो एक कॉन्स्टेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है. रो भी चेंज हो सकता है भाई, ये क्वान्टिटीज भी चेंज हो सकती. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होगा, पर एन और टाउ चेंज हो सकते हैं. एन और टाउ चेंज हो सकते हैं. टेम्परेचर बढ़ा दो, हो सकता हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएं, आयनाइज होने स्टार्ट हो, टेम्परेचर बढ़ाने से हीट मिले और इलेक्ट्रॉन बाहर निकले. टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिजन ज़्यादा जल्दी जल्दी होंगे, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. भाई टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कोलिजन जल्दी जल्दी करेगा और रिलैक्सेशन टाइम कम, यानी टेम्परेचर पे ये दोनों डिपेंड करते हैं. इसका मतलब ये जो रेजिस्टिविटी आप लेके आए हो, ये जो रो रेजिस्टिविटी आप लेके आए हो जो कि है एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर और साथ ही साथ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा. भाई किसी मटेरियल पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा, किसी में कम, एंड मटेरियल. ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गया. अलग अलग मटेरियल के लिए रो अलग अलग,
पर ये जो रो है ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये जो रेजिस्टिविटी है ये किसी गिवन मटेरियल का फिक्स होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, जबकि रेजिस्टेंस देखो लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है ना। जैसे मान लो कॉपर का एक छोटा वायर लें, कॉपर का एक लंबा वायर लें, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा पर दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, लेंथ एरिया से कोई लेना देना नहीं। साफ साफ दिख रहा है R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एनी, ये याद रहना चाहिए R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए। फिर हमने m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ को क्या मान लिया, रो, कॉन्स्टेंट चीज़ों को रो, रेजिस्टिविटी। हाँ ये भी वेरिएबल है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, पर लेंथ एरिया से कोई लेना देना नहीं। एक बार आपने मटेरियल फिक्स कर दिया, एक बार टेम्परेचर फिक्स कर दिया, रो फिक्स हो गया पर रेजिस्टेंस फिक्स नहीं हुआ, है ना। हमने आपके हाथ में कॉपर दिया, आपने कॉपर का क्यूब बनाया, आपने कॉपर का स्फीयर बनाया, कॉपर का सिलेंडर बनाया, कुछ बनाया, सबकी रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर सेम होगी, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, वो लेंथ एरिया पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी की फील आई आज, पढ़ा था टेंथ में कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, समझ में आया क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर चेंज करने पे ये फैक्टर्स भी चेंज हो सकते हैं और मटेरियल चेंज करने पे भी ये फैक्टर चेंज हो सकते हैं, क्लियर है। नोट करें ये चीज़, पॉज करके, बस हो गया, अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लें। इसकी यूनिट की बात करें, रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रो कहाँ से निकालोगे, यहाँ से देखो यूनिट आ जाएगी आर ए बाई एल, आर ए बाई एल, आर होगा ओम में, एरिया मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर कैंसिल, यानी ओम मीटर, एसआई यूनिट, सही है, आर ए बाई एल, आर हो गया ओम में, मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर ओम मीटर, क्लियर है। इसके बाद अगले लेक्चर में कुछ और टर्म्स आएंगे, कंडक्टिविटी आएगा, कंडक्टेंस आएगा, आज नहीं पढ़ा रहे, अभी इसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे ध्यान दो। रेजिस्टेंस लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल की प्रॉपर्टी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये चीज़ें सिर्फ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा बट साथ में लेंथ और एरिया पे भी। मिटा रहे, नोट कर लिया, ओके। तो चलिए आज तो हम क्वेश्चन करेंगे R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए पे, R इज इक्वल्स टू रो एल बराबर ए पे, ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हो R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए, या आपको याद हो जाए तो मजा ही आ जाए, ठीक है, और इतने टर्म को रो बोला। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें इस पे, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग टाइप क्वेश्चन। हमसे बोला हमारे पास अ वायर ऑफ लेंथ एल, अ वायर ऑफ लेंथ एल हैज रेजिस्टेंस आर, दिस वायर इज स्ट्रेच्ड is stretched to twice its original length, find the new resistance। तो एक इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें वायर को खींच के या बीट करके, ऐसा भी लिखा होता है वायर इज बीटन टू स्ट्रेच इट लेंथ, है ना, पीट पीट के उसकी लेंथ बढ़ा दी या कई बार कंप्रेस कर दिया और पूछता है नया रेजिस्टेंस क्या होगा। पॉज करके ट्राई कर लें एक बार, डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। चलिए चार ऑप्शन भी दे देते हैं, ए बी सी डी, टू आर, आर बराबर टू, फोर आर, आर बराबर फोर, ट्राई कर लें। चलिए मैं करूं, पॉज करके ट्राई कर लिया। चलो इनिशियली मान लेते हैं ये हमारा वायर है,
इसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, नहीं दे रखा, चलो उसको A मान लेते हैं, और इसकी रेजिस्टिविटी को रो मान लेते हैं, ये भी नहीं दे रखा है, मान लिया। यहाँ से R का फॉर्मूला बनेगा रो L बराबर A। फिर हमने इसको स्ट्रेच किया, खींच के लंबा किया, ठीक है, हमने इसको खींच के डबल कर दिया ओरिजिनल लेंथ का। तो यार जब डबल करोगे तो ये पतला भी तो हो जाएगा, इसका एरिया भी तो कम होगा, अरे वॉल्यूम तो उतना ही है ना अपने पास, खींचोगे तो ऐसे जैसे आटे की लोई ऐसे खींचो तो पतली हो जाती है। तो इसकी लेंथ तो 2L हो गई पर इसका एरिया नहीं पता, लेट इट बी A डैश, और डेफिनेटली A से कम होगा। रेजिस्टिविटी के बारे में क्या ख्याल है, रेजिस्टिविटी रो एम एन ई स्क्वायर टाओ, ये सब तो चेंज नहीं हुए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये सब चीज़ें तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यानी यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी रहेगी रो। अब नया रेजिस्टेंस बोल दो आर डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू 2L अपॉन A डैश, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रो एल बाई ए, लेंथ हो गई 2L, एरिया हो गया A डैश। अब A डैश निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ जाते वक्त वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा भाई, जितना ये वॉल्यूम है खींच के उसी वॉल्यूम को आपने ऐसे, अब इसी का मोटा वायर बनाओ इसी का पतला वायर बनाओ, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज करेंगे, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, यानी वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। वॉल्यूम इनिशियल क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू 2L। यहां से दिख रहा है ए डैश हो जाएगा ए बराबर 2, ए डैश हो जाएगा ए बराबर 2। तो लेंथ को डबल किया तो एरिया हाफ हो गया, कि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एक चीज को डबल करोगे दूसरी चीज हाफ हो गई ताकि वॉल्यूम सेम रहे, तो ए डैश मिल गया ए बाई 2, तो रो इंटू 2L अपॉन ए बाई 2। यहां से आर डैश इज इक्वल्स टू रो, ये 2 पर आ जाएगा, तो 4 रो L बाई, बोलो सही है, और रो L बाई A की वैल्यू कितनी है R, यानी R डैश इज इक्वल्स टू 4R, तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन C इज करेक्ट। क्लियर है, लेंथ को डबल करने पे रेजिस्टेंस 2 गुना नहीं बढ़ता, 4 गुना बढ़ता है, ऐसा लगता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो लेंथ डबल करने पर रेजिस्टेंस डबल, पर ऐसा नहीं, लेंथ डबल करने पर रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ा, लेंथ डबल करने पे एरिया भी तो हाफ हुआ, और एरिया हाफ होने से भी रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ा, लेंथ डबल से 2 गुना, एरिया हाफ से 2 गुना, टोटल 4 गुना। दिमाग में बस गई वाली चीज, कहानी समझ में आ गई, वॉल्यूम सेम कर देना है, लेंथ डबल करोगे एरिया हाफ, लेंथ ट्रिपल करोगे एरिया ए बाई 3, लेंथ 4 गुना बढ़ाओगे एरिया ए बाई 4, बाई लेंथ इंटू एरिया से वॉल्यूम आना है, इसको जितने गुना बढ़ाओगे एरिया इतने गुना कम। समझ में आ गया, एक और क्वेश्चन करा दें, बस एक और कराएंगे, चलो इसको करने का एक शॉर्टकट भी होता है, अभी बता देंगे लास्ट में, एक खींचने और दबाने वाले सवाल का, इसके बाद भी बढ़िया सवाल आएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेक्चर, भी थोड़ा हल्के-हल्के सवाल करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही सवाल है, ठीक है, हमारे पास ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑप्शन वही है, इस बार कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, ऑप्शन वही है 2R, R बाई 2, 4R, R बाई 4, कंप्रेस टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ट्राई करें, सेम लॉजिक लगाना है, ट्राई करें एक बार, किया जाए, ओके। यहां मान लेते हैं, मैं करने जा रहा हूं, ओके, पॉज करके कर लो, ये एक वायर है, इसकी लेंथ मान लो L, नहीं दिया है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस R कुछ नहीं दिया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लो,
इसकी रेजिस्टिविटी रो मान लो, सब कुछ हमने अज्यूम कर लिया, कुछ दिया ही नहीं था। यहाँ से इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, फिर इसको आपने कंप्रेस किया, दबा दिया, कितना दबाया, कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी L से L बाई टू, दबाओगे तो ये मोटा हो जाएगा भाई, दबाओगे तो ये कुछ मोटा हो जाएगा, दबाओगे तो मोटा हो जाएगा, तो लेंथ हो गई इसकी L बाई टू और एरिया मेरे ख्याल से 2A हो जाएगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन, लेंथ इनटू एरिया शुड बी इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, देख लो, वॉल्यूम इनिशियल शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, लेंथ इनटू एरिया, फाइनल लेंथ कितनी है L बाई टू इनटू एरिया ए डैश मान लो, यहाँ से देखो ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी 2A, एल एल कैंसिल हो जाएगा, ए डैश इज 2A। तो मैंने बताया ना, एक चीज़ जितने गुना कम या ज़्यादा, दूसरी चीज़ उतने गुना कम या ज़्यादा, है ना, मतलब लेंथ को आधा किया तो एरिया डबल हो गया, ताकि इनको मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम सेम रहे, लेंथ को आपने आधा किया तो एरिया डबल हो गया। रेजिस्टिविटी अभी भी रो रहेगी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, लेंथ एरिया से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल्स टू रो, लेंथ हो गई एल बाई टू, एरिया हो गया 2A, यानी आर डैश इज इक्वल्स टू रो एल बाई 4A, तो आर डैश इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है आर, यानी आर बटे 4, आर बटे 4 डी, तो लेंथ आधी करने पे रेजिस्टेंस आधा नहीं होता 4 गुना, क्योंकि आधी करने पे एरिया भी डबल होता है, तो इसके वजह से भी कम हुआ रेजिस्टेंस और इसकी वजह से भी हुआ आर बाई 4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्ट, ये तो समझ में आ गया, एक शॉर्टकट भी है छोटा सा, अगर स्ट्रेच और कंप्रेस टाइप के सवाल हों और वॉल्यूम कंजर्व रहे, है ना, कई बार कह देता है कि एरिया चेंज ही नहीं हुआ, लिख देता है विदाउट चेंज इन एरिया, तब नहीं, जब वॉल्यूम कंजर्व रहे तब आप ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रेच कंप्रेस बीटन अप, है ना, इस तरह क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आर डैश इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स आर, वेयर एन इज नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है, ये भी बोल सकते हो एन इज इक्वल्स टू लेंथ फाइनल अपॉन लेंथ इनिशियल। जैसे पहला वाला था उसमें बोला था कि लेंथ ट्वाइस कर दिए, डबल कर दिए पहले वाला क्वेश्चन में, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फाइनल लेंथ डबल है इनिशियल की, तो आर डैश इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू आर, तो आंसर देखो 4R आया था। दूसरे वाले क्वेश्चन में लेंथ को हाफ कर दिया है, मतलब फाइनल लेंथ इनिशियल का हाफ है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, फाइनल लेंथ इनिशियल की हाफ है 1/2 हो जाएगी, कम हो गई लेंथ, आर डैश इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर इंटू आर, तो देखो आंसर आया था आर बटे 4, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, जब भी लेंथ खींच के बढ़ाए या कंप्रेस करने के सवाल दे, एन क्या है फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल। जैसे इस पे देखो एक सिंपल सा सवाल दिखाएं, मान लो सवाल दे दिया अ वायर, अब मान लो ये सवाल आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज स्ट्रेच्ड टू 10 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, 10 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, आखिरी हलवा सवाल, इसके बाद बढ़िया सवाल स्टार्ट करते हैं, कुछ और नए तरह के सवाल लेते हैं, ये सब आसान सवाल है, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, स्ट्रेच किया है तो आर डैश इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स आर, कितने टाइम स्ट्रेच कर दिया है 10 टाइम्स, तो एन की वैल्यू हो गई 10, तो 10 का स्क्वायर और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 3, फाइनल आंसर विल बी 300, खत्म, कुछ नहीं बनाना है इसमें, डायग्राम बनाया वॉल्यूम कुछ नहीं, आर डैश इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर लगा सकते हैं स्ट्रेच कंप्रेस टाइप के सवाल में, एन नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज करके देख सकते हो इसको,
बना बना कर लेना पूरा, यहाँ पे लेंथ एल मानना, एरिया ए मानना, फिर ये 10 टाइम्स तो 10 एल हो जाएगा, एरिया ए बाई 10 हो जाएगा, है ना। तो लेंथ 10 गुना बढ़ी, इससे रेजिस्टेंस 10 गुना बढ़ेगा, और एरिया 10 गुना घटा, इससे भी रेजिस्टेंस 10 गुना बढ़ेगा, तो 10 इंटू 10 100 गुना बढ़ गया, तो 100 इंटू 3 300। क्लियर है? अच्छा, जरा कुछ दूसरे टाइप के सवाल लेते हैं, जिसमें हम अलग अलग शेप के कंडक्टर आपको देंगे और आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना होगा। पहले आसान सा सवाल लेते हैं सीरीज का, बहुत ईजी सवाल। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक क्यूब है, ठीक है, मान लेते हैं ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी, ए बी एंड सी। हमसे बोला कि हमने करंट यहाँ से भेजा और यहाँ से निकाला आई, और एक बार करंट हमने यहाँ से भेजा और यहाँ से निकाला आई। इसको हम बोल देते हैं फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, फेस फोर। हमसे पूछा व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस, पहला वन टू, दूसरा थ्री फोर, दोनों फेस के अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा, जरा बताओ। आसान सा सवाल है, इसकी रेजिस्टिविटी रो मान लो, क्यूब के मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो, बहुत आसान सवाल है ना। देखना है कि आप रो एल बाई ए समझ पा रहे हैं कि नहीं। पहला रेजिस्टेंस अक्रॉस वन टू, वन टू इसके अक्रॉस, तो करंट ऐसे जा रहा बच्चों, तो ये हो जाएगी लेंथ। देखो करंट जिस रास्ते से जा रहा वो हो जाती है लेंथ, तो रो इंटू लेंथ कितनी हो गई सी अपॉन ए। एरिया कौन सा लोगे, करंट के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ऐसे जा रहा, तो ये एरिया लेंगे आप, करंट ऐसे पास कर रहा, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना है ए, ये कितना है बी, तो एरिया हो जाएगा ए बी। कन्फर्म। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस इन थ्री फोर अक्रॉस फेस थ्री फोर, तो थ्री फोर से एक्सक्यूज मी, थ्री फोर से जब जाएंगे आर क्या होता है रो एल बाई ए, तो रो तो वही रहेगा, मटेरियल सेम है, लेंथ कौन सी हो जाएगी जिसके अलॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है, तो लेंथ इस बार क्या हो गई बी अपॉन क्रॉस सेक्शन, करंट के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ये एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा ए इंटू सी, इसी से करंट फ्लो कर रहा है ना ये वाला, ये कितना है ए, ये कितना है सी, तो ए इंटू सी। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। इसी तरह से मैं एक फेस और बना लूं, पीछे वाले फेस को 5 बोल दूं, आगे वाले फेस को 6 बोल दूं, आपसे रेजिस्टेंस पूछ लूं अक्रॉस 5 6, ठीक है, तो करंट ऐसे बाहर आ रहा, ऐसे आपकी तरफ करंट ऐसे बाहर आ रहा आपकी तरफ आउटवर्ड्स, तो लेंथ कौन सी हो जाएगी ए हो जाएगी, रो इंटू ए, और ऐसे बाहर आएगा तो क्रॉस सेक्शन ये वाला हो जाएगा, ऐसे बाहर आ रहा ये हो गया क्रॉस सेक्शन, ये कितना हो जाएगा, ये बच्चों देखो कितना है सी और ये कितना है बी, है ना सी एंड बी, इसी से बाहर आ रहा, तो बी इंटू सी। बोलो क्लियर है, कॉन्सेप्ट देख रहे थे आपका, क्लियर है, लेंथ एरिया समझ में आ गया कैसे रखते हैं, लेंथ रखते हैं अलोंग द करंट और एरिया रखते हैं परपेंडिकुलर टू करंट। मिटा रहे हैं इसको, अच्छा हलवा सवाल, चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर टू इस कैटेगरी का। क्वेश्चन नंबर टू में हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंडर लिया और यहाँ पे एक सिलेंडर लिया, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, यहाँ मटेरियल है और बीच में मटेरियल नहीं है, कैसा सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर, ठीक है, यहाँ बीच में कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ मटेरियल भरा है, यहाँ मटेरियल भरा है, इसका हमको रेडियस बोला ये वाला है मान लो R1 और बाहर वाला रेडियस हमको बोल दिया R2, ठीक है, तो हमको बोल दिया इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2, लेंथ इसकी हमको बोल दी L और रेजिस्टिविटी हमको कह दी रो है,
और करंट फ्लो कर रहा है ऐसे आई, ऐसे आई, समझ रहे हो? बीच में तो इसमें एयर है या वैक्यूम है, उससे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जहाँ जहाँ मटेरियल है कंडक्टर का, वहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो? कि जैसे मान लो ये बीच से खोखला है और इसके ऊपर ऐसे, तो इतने पार्ट्स में से करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। शेड अगर हम इसको शेड कर लें, होलो सिलेंडर समझते हो ना, यहाँ जो थिकनेस है इसमें करंट, इस थिकनेस में करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस। बताओ क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो लेंथ कितनी है? लेंथ कौन सी लोगे? जो करंट के अलोंग होती है। अलोंग लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी दे रखा है? L, तो यही ले लोगे रो L। और एरिया कितना लोगे इस बार ये बताओ? किस एरिया में से करंट पास कर रहा है? इस क्रॉस सेक्शन से, है ना? इसको बाहर बना के देखो, A, इसमें से, इसी में से तो करंट पास कर रहा है। ऐसे डॉट बना दिया, डॉट बना दिया कि करंट ऐसे बाहर आ रहा है, या क्रॉस बना दो कि करंट ऐसे अंदर जा रहा है। डॉट या क्रॉस दिखाता है कि प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर। तो ये एरिया है जिसमें से करंट पास कर रहा है, यहाँ से ऐसे खचक खचक खचक। तो ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? पाई आर टू स्क्वेयर माइनस आर वन स्क्वेयर। बोलो क्लियर है? जितनी दूर पे मटेरियल है, जितनी जगह पे, वही एरिया तो रखोगे। इसी मटेरियल में से तो करंट पास कर रहा है, इस कंडक्टर में से। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। और ये आ गया इसका रेजिस्टेंस। आसान था? एक अच्छा सवाल ले हैं? चलो क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर विल बी द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर थ्री, चलो अब देखते हैं ये कौन करता है। इसके पहले तो सारे सवाल हल में हल लेते हैं। मान लो ये वही हॉलो सिलेंडर है, सेम हॉलो सिलेंडर। अभी फिर से इनर रेडियस इज आर वन, आउटर रेडियस इज आर टू, एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर इज एल, एंड रेजिस्टिविटी इज रो। अब सुनो हुआ क्या, कि करंट इस सिलेंडर की एक्सिस से, ठीक है, करंट कहां से? इस सिलेंडर की एक्सिस से बाहर की तरफ निकल रहा है ऐसे, ठीक है। पिछली बार लेंथ के पैरेलल था, इस बार लेंथ के पर पेंडिकुलर करंट फ्लो कर रहा, ठीक है। दिमाग में नहीं जा रहा तो इसको खड़ा कर लो, सिलेंडर को ऐसे सीधा कर लो। करंट ऐसे बाहर आ रहा, ऐसे बाहर आ रहा, ऐसे बाहर आ रहा, ऐसे बाहर आ रहा, पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया से करंट ऐसे बाहर निकल रहा है। अब हमसे कहा फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस, लगाओ दिमाग, सोचो कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग भाई इस पे। बताओ, कर्व सरफेस से करंट बाहर आ रहा, ओए होए होए, ये कैसे होएगा सर जी, ओए होए होए। तो देखो भाई क्या करें, क्या करें, क्या करें। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये समझो कि एक तो एरिया लगातार चेंज हो रहा है। देखो करंट यहां तक आया तो ये कर्व सरफेस एरिया था, और दूर गया तो कर्व सरफेस एरिया और बढ़ गया, और दूर गया तो कर्व सरफेस एरिया और बढ़ गया। भाई एरिया कर्व सरफेस ही तो लोगे, करंट के परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शन मतलब करंट के परपेंडिकुलर। जब करंट यहाँ से पास कर रहा है इतनी दूर से, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ कर्व सरफेस, फिर और दूर करंट गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया फिर बढ़ गया। लगातार चेंज हो रहा है ना कर्व सरफेस एरिया, करंट जैसे जैसे आगे जा रहा है, वेरिएबल एरिया है ना, क्या किया जाए, कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पे जाके एक थिन सिलेंडर काट के बाहर लाते हैं, एलिमेंटल सिलेंडर, है ना। जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ सामने से फ्रंट व्यू देखो, इधर से व्यू देखो, साइड व्यू देखो, ए ये ये, हम यहाँ से r डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंटल सिलेंडर काट लाते हैं, इसी से कुछ काम बनेगा हमारा, ठीक है।
हमने ये एलिमेंटल सिलेंडर काट लिया जिसकी थिकनेस होगी वही डी आर, ठीक है, डी आर थिकनेस का, ठीक है। इसको देखना चाहो तो ऐसे देखो, ऐसे कट के बाहर आया, आर डिस्टेंस पे गए, एक एलिमेंटल पतला सा सिलेंडर इसके, पतला सा डी आर थिकनेस का, ये जो थिकनेस है इसकी, समझ रहे हो ना, ये थिकनेस, ये डी आर है, ठीक है। ये डी आर थिकनेस का है और इसका यहां से यहां रेडियस आर, और इससे करंट आई ऐसे निकल रहा है, ठीक है, फील आया। ऐसे बहुत से सिलेंडर्स काटने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है ना, करंट जब इस वाले पर्टिकुलर एलिमेंटल सिलेंडर को पास कर रहा है, जब इससे करंट पास कर रहा है तो किस क्रॉस सेक्शन, किस परपेंडिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहा है, जिस एरिया को क्रॉस कर रहा है वो होगा 2πRL, भाई R इस सिलेंडर का रेडियस है और लेंथ तो वही रहेगी ना, L काटोगे जब एलिमेंटल, करंट किस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, 2πRL, और ये R तो लगातार चेंज हो रहा है, शुरू में करंट सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेगा स्टार्टिंग में R1 वाले को, और लास्ट में जाके R2 वाले को, इतने बड़े एरिया को क्रॉस किया, यानी A इज चेंजिंग, फील हो रहा है कि नहीं भाई। अभी तक A हमारा कांस्टेंट था, एरिया हर जगह सेम 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 करंट निकल गया, अभी क्या, करंट जब इस वाले सिलेंडर से निकला तो बहुत कम एरिया को क्रॉस किया, और जब बाहर वाले से निकला तो बहुत बड़े एरिया क्रॉस किया, इसीलिए हमें एक एलिमेंटल सिलेंडर काटना पड़ा। क्या काटा हमने, एक एलिमेंटल सिलेंडर काटा। इसका आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल सिलेंडर, इसके रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं डी कैपिटल आर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी रो दी हुई है, ठीक है। तो डी आर इज इक्वल्स टू रो, अब इसकी लेंथ क्या है बच्चों, लेंथ क्या होता है, क्या एल लेंथ रखेंगे यहां पे, सोच के जवाब दो, लेंथ क्या होता है, करंट किस लेंथ के अलोंग निकला, मटेरियल की किस लेंथ के अलोंग निकला, वो होता है ना लेंथ। तो ये लेंथ हुई ना डी आर, इसके अलोंग गया ना, जैसे जब ऐसे हम लेते थे करंट ऐसे जाता था तो हम लेंथ ये लेते थे ना, किसके अक्रॉस करंट निकला, यहां करंट किस लेंथ के अक्रॉस निकला, डी आर लेंथ के अक्रॉस, यानी लेंथ हो गई स्मॉल डी आर और नीचे एरिया हो गया 2πRL। इसीलिए मैं वो क्यूब वाला सवाल कराया, आपको फील हो ए का एल का, रो एल बाई ए, करंट किस लेंथ के अक्रॉस निकल रहा, डी आर लेंथ के अक्रॉस निकल रहा, यहां से निकल रहा ना करंट इसमें से, और किस क्रॉस सेक्शन एरिया को काट रहा, 2πRL को। ये हुआ छोटा सा रेजिस्टेंस एक एलिमेंटल सिलेंडर का, अब हमको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो ऐसे बहुत से एलिमेंटल सिलेंडर्स बनेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सभी एलिमेंटल सिलेंडर्स का रेजिस्टेंस जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, है ना। ऐसा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, नहीं सीरीज नहीं है, क्यों नहीं है, एक ये सिलेंडर है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, इसके बाद एक सिलेंडर वो अलग रेजिस्टेंस, उसके बाद एक अलग सिलेंडर अलग रेजिस्टेंस, भाई एक सिलेंडर का रेजिस्टेंस मिल गया आपको, इस तरह से एक सिलेंडर ये, एक ये, एक ये, एक ये, इनफाइनाइट सिलेंडर्स बनेंगे, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस, और करंट कैसे जा रहा है, सब में करंट क्या है सेम, करंट सेम किस में होता है, सीरीज में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, करंट सेम किस में होता है, देखो करंट जो इस सिलेंडर से जाएगा वही इस सिलेंडर से वही इससे इससे, करंट सेम किस में होता है, सीरीज में। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो सारे रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, यानी इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस आपको सारे डीआर 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 को जोड़ना पड़ेगा, और रीज़न मैंने बता दिया क्योंकि सारे डीआर डीआर किस में है, सीरीज में, समझो बात को, ये नहीं कि हमेशा इंटीग्रेट करते हैं तो जोड़ दिया, रेजिस्टेंस है सोचना पड़ेगा, कहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो, यहाँ इन्फाइनाइट सिलेंडर्स बनेंगे, कितने सिलेंडर्स बनेंगे, देयर विल बी
इनफाइनाइट एलिमेंटल सिलेंडर्स। अब अगर ध्यान से देखो तो ये सारे सिलेंडर सीरीज में होंगे भाई, इसमें से करंट आई, अगले वाले सिलेंडर में से भी आई, उसके अगले वाले में से भी आई, सब में से करंट तो आई आई निकल रहा है। करंट सेम किस में होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब डीआर को जोड़ने की जो तकनीक हमारे पास होती भैया वो होती है इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेट कर दो डीआर को, उठाओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी आर अपॉन पाई, सॉरी अपॉन 2 पाई आर एल। ये एरिया समझ में आना किस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है। यहाँ से कांस्टेंट चीज़ों को बाहर कर लो, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है ये भी बताओ, वेरिएबल क्या है इसमें, स्मॉल आर है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, इस जगह से आर वन से लेके आर टू तक। भाई मटेरियल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? आर वन से स्टार्ट हुआ है, आर टू, जितने सिलेंडर काटोगे आर वन के बाद से स्टार्ट करोगे काटना, सबसे पहले यहाँ काटोगे फिर इसके बाहर, यानी इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम आर वन टू आर टू। सो इट विल बी रो बाहर आएगा, टू पाई बाहर आएगा, एल बाहर आएगा, कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बटे आर, आर वन से आर टू, डी आर बटे आर का इंटीग्रेशन फेमस है, लॉग आर आता है, सो इट विल बी रो अपॉन टू पाई एल, लॉग आर आएगा आर टू और आर वन, यानी लॉग आर टू माइनस लॉग आर वन, यानी लॉग आर टू बाई आर वन, लॉग आर टू बाई आर वन। बोलिए क्लियर है? यहाँ फिर से दिखा दो इंटीग्रेशन में, कई लोग कन्फ्यूज हो गए। चलो यहाँ तक समझ में आया, डी आर की वैल्यू रखी रो डी आर अपॉन टू पाई आर एल, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है आर को, आर वन से लेके आर टू तक सिलेंडर्स काटने, ठीक है। सो आर नेट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रो बाहर टू पाई एल बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर फ्रॉम आर वन टू आर टू, तो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होगा लॉग आर, तो रो अपॉन टू पाई एल लॉग आर आर वन से आर टू, तो आर नेट इज इक्वल्स टू रो अपॉन टू पाई एल लॉग क्या होगा आर टू माइनस आर वन, ये क्या हो जाएगा लॉग आर टू अपॉन आर वन, बोलो सही है, लॉग आर टू माइनस आर वन इज लॉग आर टू बाई आर वन। सो नेट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी रो अपॉन टू पाई एल लॉग बेस ई आर टू बाई आर। मजा आया, समझ में आया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो कि कौन सा एरिया लेते हैं जो करंट के परपेंडिकुलर, और लेंथ करंट जिसमें से पास कर रहा है, इस लेंथ में से पास किया, क्लियर है। यहां बहुत ढेर सारे सिलेंडर्स बनेंगे और सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होगा, यहां इसका टोटल रेजिस्टेंस एक बार में नहीं बोल सकते क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, क्लियर है। मजा आया, इसको खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, मिटा रहे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी किताबों में दिया है, स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक बढ़िया स्टैंडर्ड सवाल, आज का आखिरी सवाल, कि यहां हमें एक फ्रस्टम दिया है, फ्रस्टम समझते हैं, ये दिया है हमें एक फ्रस्टम, ठीक है। यहां हमसे बोला है कि रेडियस है ए, और यहां हमसे बोला है रेडियस है बी, सबने देख रखा हो किताब में सवाल। लेंथ हमसे बोला है इस फ्रस्टम की एल, रेजिस्टिविटी हमसे बोला है इस फ्रस्टम की रो। फ्रस्टम समझते हैं ना, कोन को ऊपर से काट दिया, कोन बनाया, फिर जैसे टोपी होती है बर्थडे वाली, इसको ऊपर से काट दिया फ्रस्टम। अब हमसे कहा कि करंट यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है, फाइंड द रेजिस्टेंस। बढ़िया सवाल है, ठीक है, सारी अच्छी किताबों में आपको मिलेगा, फाइंड द रेजिस्टेंस। इसी सवाल के लिए आप ये लेक्चर देख सकते हो, सवाल ही इतना प्यारा है, फाइंड द रेजिस्टेंस। क्या किया जाए, दिक्कत क्या है, इसमें भी वही दिक्कत है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, फ्रस्टम है, इधर एरिया, इधर रेडियस ए है, इधर रेडियस बी, लगातार एरिया बढ़ रहा है, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेंथ एल है। देखो सिंपल अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो रो एल अपॉन ए होता है, तो एल तो फिक्स है, एरिया क्या रखें, ये कह रहा है पाई ए स्क्वायर रखो,
वो कह रहा है पाई बी स्क्वायर रखो, उसका एरिया पाई बी स्क्वायर, इसका पाई स्क्वायर, लेंथ तो पता है, ए का चक्कर है ना, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वही इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, हमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस निकाल के सबको जोड़ना होगा। भाई ये जो सिलेंडर जैसा दिख रहा है, ये जो फ्रस्टम है, इसमें आपको छोटे छोटे एलिमेंटल रेजिस्टेंस ढूंढने होंगे, क्योंकि एरिया लगातार चेंज हो रहा है, तो आपको एलिमेंटल, यहाँ पे एलिमेंटल क्या कटेगा, डिस्क कटेगा, एलिमेंटल चीज काट के उसका रेजिस्टेंस निकालना होगा। एक काम करते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं x डिस्टेंस आगे, और यहाँ पे एक एलिमेंटल डिस्क कटेगी, क्या कटेगी, एलिमेंटल डिस्क कटेगी, यहाँ एक एलिमेंटल डिस्क काट लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ मैंने एक एलिमेंटल डिस्क काट ली, ठीक है, इसको इमेजिन करो पीछे भी गई है, और इस डिस्क की जो थिकनेस है वो है dx, थिकनेस है dx, और इस डिस्क का जो रेडियस है, लेट दैट रेडियस बी r, वेयर r इज समवेयर बिटवीन a एंड b, ठीक है, वेयर आर इज समवेयर बिटवीन ए एंड बी। एक और डेटा इस क्वेश्चन में दिया रहेगा, दैट बी माइनस ए इज मच मच लेस देन एल, ठीक है, ये डेटा दिया रहता है। हाँ, तो वेयर आर इज सम रेडियस विच इज बिटवीन ए एंड बी, ये डेटा साथ में गिवन था, ठीक है। अच्छा, अब हम बोलें कि इस एलिमेंटल डिस्क का रेजिस्टेंस बताओ। आपने एक एलिमेंटल डिस्क काटी, क्यों काटी समझ में आ रहा है, क्योंकि एरिया लगातार चेंज हो रहा है, हमने कहा यहाँ पे आके इस एलिमेंटल डिस्क का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर सभी एलिमेंटल डिस्क का रेजिस्टेंस निकाल के जोड़ दें, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सब में से सेम जा रहा है। एलिमेंटल डिस्क की अगर हम बात करें, इसके रेजिस्टेंस को मान लिया डी आर, तो डी आर इज इक्वल्स टू रो एल बराबर ए। अच्छा, लेंथ कितनी है, रो एल लेंथ कितनी हुई, करंट इस लेंथ से पास किया, किस लेंथ से, dx अपॉन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो अगर सामने से देखोगे तो ये एरिया दिखाई पड़ेगा इसका, यानी पाई आर स्क्वायर, करंट इससे पास किया पाई आर स्क्वायर से। अब दिक्कत क्या है कि r भी वेरिएबल है, और ऊपर डिफरेंशिएशन या ऊपर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो भी करोगे dx के टर्म्स में करोगे, भाई नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, ऐसे ही तुम इनफाइनाइट डिस्क काट लोगे, एक यहाँ काटोगे, सबसे पहले आर की वैल्यू ए लोगे, फिर यहाँ काटोगे, फिर यहाँ काटोगे, हर एलिमेंटल डिस्क का रेजिस्टेंस निकाल के देख रहे हो सारे डिस्क किस में हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सब में करंट सेम जा रहा है, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करोगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन करना दिक्कत है, क्योंकि यहाँ आर है, यहाँ डी एक्स है, तो ऐसा कुछ करो कि ये दो वेरिएबल आपस में रिलेट हो, भाई आर भी तो वेरिएबल है, आर इज़ अ वेरिएबल, ये इंटीग्रेट कहाँ हो पाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, सब डी आर डी आर डी आर को जोड़ के, यानी डी आर को इंटीग्रेट करके, ये इंटीग्रेट ही कहाँ हो पाएगा, तो अब कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक लाइन खींची ऐसे, ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा बी माइनस ए, हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी ऐसे, ये a है, ये b था, तो ये हो गया b माइनस a, और ये लेंथ कितनी होगी अभी भी पूरी l, लेट दिस एंगल बी थीटा, लेट दिस एंगल बी थीटा, जरा यहाँ इसको बना के देखो ऐसे, ये हो गया b माइनस a, ये हो गया l, ये थीटा, यहाँ से बच्चों tan थीटा किसके बराबर होगा, b माइनस a बाई एल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, b माइनस a बाई एल। अब हम एक काम और करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, हम बोल देते हैं कि यहाँ मान लो ओरिजिन है, इस जगह पे ओरिजिन है, ये है वाई एक्सिस, और ये तो एक्स बनाई हुआ है, और ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन है इस जगह पे, ये गई एक्स एक्सिस, ये गई वाई एक्सिस, ये गई एक्स एक्सिस, ये गई वाई एक्सिस, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूँ, इस लाइन की अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूं, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बोल सकते हैं, ये जो लाइन है
इस लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है y इज इक्वल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c. आई एम राइटिंग इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. मेरा मकसद है r और dx को जोड़ने का, उसके लिए मैं ये सारी कहानी कर रहा हूँ. तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू mx प्लस c. y एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल है? रेडियस. भाई y एक्सिस पे r चेंज होता जा रहा है. स्लोप कितनी है? स्लोप होती है बच्चों लाइन की tan थीटा के बराबर. यही तो स्लोप हुई ना इसकी. इस लाइन की स्लोप क्या होगी जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस से? ये x एक्सिस ही तो हुई. कितना एंगल? थीटा. तो r इज इक्वल्स टू b माइनस a बाई l इंटू एक्स प्लस c. c क्या होता है? y इंटरसेप्ट. तो ये लाइन y इंटरसेप्ट को कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे, जहाँ y की वैल्यू कितनी है? a. ये ओरिजिन है. ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है? इस जगह पे जहाँ y की वैल्यू a. तो प्लस ए. बोलो ये बात समझ में आई? फिर से मैंने एक लाइन खींची ऐसे, ये बी, ये ए, ये बी माइनस ए, यहाँ पे एंगल हो गया थीटा, ये लेंथ एल. टैन थीटा इज इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई एल. फिर मैंने कहा मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूंगा. मैंने मान लिया यहाँ पे ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. ये लाइन की इक्वेशन कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. अच्छा, मैंने कहा वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो रेडियस है, लगातार चेंज होता हुआ. एक्स एक्सिस पे एक्स ही लिया हमने जो वेरिएबल है. स्लोप क्या होगी? लाइन की स्लोप ये होती है टेन थीटा के बराबर, बी माइनस ए बाई एल. और वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे वाई को काट रही है लाइन? वाई इज इक्वल्स टू ए पे रख दिया. अब आपको आर और एक्स में रिलेशन चाहिए ना. यहाँ से देखो, डिफ्रेंशिएट कर दो आर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई एल प्लस जीरो. बोलो सही है? अगर r को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दें dr आर बाई डी एक्स, तो भाई यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे b माइनस ए बाई एल बचेगा. x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0. अरे पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर लो, dr आर इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, डी आर इज इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई एल डी एक्स, और ये 0. तो dr आर बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पार्शियल कर लो, डी आर इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल, और ये डी एक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका 0, डी आर बाई डी एक्स. ऐसे जैसे भी कर लो, डी आर, आर को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी माइनस ए बाई एल, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1. यहाँ से देखो आपको मिल रहा है डी एक्स इज इक्वल्स टू एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डी एक्स इज इक्वल्स टू एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर. अब डी एक्स हटा के आप डी आर का वेरिएबल लाओगे, अब ये इंटीग्रेट हो जाए. फ्रॉम फर्स्ट यहां पे पुट करो रो डी एक्स की जगह, डी एक्स की जगह एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर. नीचे क्या है? पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर. बोलो आया? यही प्रॉब्लम थी ना कि इंटीग्रेट ना हो पाता जब डी आर डी आर डी आर जोड़ते सारा रेजिस्टेंस. तो मैंने डी एक्स की जगह लिखा एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर पाई आर स्क्वायर. नोट कर लें इतना, इसके बाद इस क्वेश्चन में दम नहीं, अब तो इंटीग्रेट करना है बस. छाप लें, छाप लिया, मिटा रहे हैं इस चीज को. 1 2 3 4 मिटा रहा हूँ. ओके, ये तो हमने रिलेशन निकालना चाहा. अब इसके बाद नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? सारे डी आर को जोड़ के, तो डी आर जोड़ दो. सो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी आर. तो आर नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो एल अपॉन बी माइनस ए डी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर. कॉन्स्टेंट्स को बाहर करो, रो बाहर, एल बाहर, बी माइनस ए बाहर, पाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर. आर को कहाँ से कहाँ वेरी करना है? आर को ए से लेकर बी तक जाना है, ए से लेके बी तक जाना है. तो ये हो गया रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए. 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई आर ए से लेके बी तक. तो रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, और यहाँ जब वैल्यू रखोगे माइनस 1 बाई बी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाई ए, तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी. भाई माइनस 1 बाई बी माइनस माइनस 1 बाई ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी. तो बी माइनस ए कैंसिल, रो एल अपॉन पाई ए बी इज द नेट रेजिस्टेंस. सो फाइनल आंसर विल बी द नेट रेजिस्टेंस इज
रो एल अपॉन पाई ए बी, ना पाई ए स्क्वायर हुआ ना पाई बी स्क्वायर, एवरेज हो गया पाई ए बी। तो यहीं पे हम इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।